वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम इसमें देखेंगे कि मेरा कैंपस कैसा है। आपको पता ही होगा मेरा कैंपस है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कमरा। फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ। फुल स्लीव्स यहाँ पे अलाउड है कैंपस में, आप हाफ से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ का कुछ आप इसे कुछ कंपलसरी कोई इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर, यहाँ का एक डिसिप्लिन है कि आप फुल स्लीव में ही कैंपस में घूम सकते हैं। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अब चलते हैं अपने कैंपस टूर पर। रूम से निकल गया हूँ तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग रहती है, इसमें आते हैं फर्स्ट टाइम या फिर एडमिशन या फिर स्पॉट राउंड या फिर एफसी सेंटर। इस साल जो एफसी सेंटर पे सब चेकिंग हुई थी तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एडमिट बिल्डिंग में ही जाना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ से जीसीओई के सबसे मेन बिल्डिंग में का एक अहम मतलब पार्ट है वहाँ पे। ऐसे आ गया हूँ हॉस्टल से, तो यहाँ पे मुझको एकदम लेफ्ट लेना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी एडमिट बिल्डिंग है। यहाँ का हेल्थ क्लब है जो कि एक जिम है। कुछ डंबल और प्लेट्स चोरी हो गए थे, एंट्री करते हैं तो आप पहले जाएंगे इस तरफ जहाँ पे हमारी बिल्डिंग। जैसे कि यहाँ से तो आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, अंदर से काफ़ी ठीक ठाक है। स्टूडेंट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी साइड राइट साइड में है हमारी सिविल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, मतलब जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट। तो है नहीं, मेरी यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, फिर भी देखते हैं यहाँ पे अंदर कुछ है तो। और यहाँ पे शायद हमारे कैंपस का एक शॉर्ट मॉडल है। फिर मैं अभी आप यहाँ पे रोड से आते हैं, यहाँ से अगर आप पंचवटी से आते हैं अमरावती से, तो ये है हमारा मेन गेट। इस मेन गेट के अंदर जाने से यहाँ पे आपको गार्डन मिलेगा, एडमिन गार्डन। यहाँ पे जाते ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ब्लॉक मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बाद आपको यहाँ से सीधे जाते ही आपको सिविल डिपार्टमेंट जहाँ पे अभी हम शूट कर रहे हैं, और उसके बाद ही यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ही लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा EXTC एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। रस्ते से अगर आप यहाँ पे सीधे गए और यहाँ से आपने अगर राइट टर्न लिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा सातपुड़ा हॉस्टल, जो कि एक बॉयज़ हॉस्टल है। फिलहाल तो अभी वो बंद है। और यहाँ पे एक सयांत्री हॉस्टल भी मिलेगा जो सेकंड और फोर्थ या थर्ड ईयर वालों के लिए रहता है। उसके बाद ही यहाँ से अगर आप सीधा रोड जाके गएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू बॉयज़ न्यू हॉस्टल, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, जो कि है बॉयज़ न्यू हॉस्टल, जहाँ की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले ही रहते हैं। इस मैप से अगर आप यहाँ तक गए तो यहाँ पे आपको जिजाऊ हॉस्टल मिलेगा, जो कि है सिर्फ लेडीज़ के लिए, यानी गर्ल्स हॉस्टल। बता दिया है जैसे एक शॉर्ट मॉडल आपको मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे सिविल डिपार्टमेंट तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको मिलेगा सिविल डिपार्टमेंट में एंट्री करते वक्त। निकल गया कैंटीन, जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे है हमारा कैंटीन, नहीं है हमारा लैंग्वेज लेबोरेटरी, मैं उसकी भी आपको क्लिप बन रहा था। हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी यहाँ पे कुछ मिरर इमेज हो रही होंगी, इसलिए आपको लैंग्वेज लेबोरेटरी अलग नाम दिख रहा होगा, मतलब मिरर इमेज पर यहाँ पे हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी। इसके भी जस्ट फ्रंट में है हमारा कैंटीन, हमारे GCOE का कैंटीन। देखिए यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन में भी मैं यहाँ पे ऊपर जेरोक्स सेंटर है, मतलब एक साइबर है कॉलेज का। देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक छत है। राइट साइड में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा GCOE का वाटर टैंक। हाँ, GCOE का वाटर टैंक आप देख सकते हैं, उसके ही जस्ट बाजू में है हमारा एक पंप हाउस। लेफ्ट टर्न लेंगे जहाँ की है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पता तो नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इधर है क्या। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बिल्डिंग यहाँ पे वो यहाँ से आपको देख, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पास आ गए। वहाँ पे हमारा AICT बॉयज़ हॉस्टल, यानी कि AICT मतलब वहाँ पे अदर दैन महाराष्ट्र के स्टूडेंट यहाँ पे रह सकते हैं, जाकि कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में ना हो, इसलिए अदर दैन महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए यही एक हॉस्टल है जो कि अलॉट उनके लिए हो जाता है। और इसके ही जस्ट बाजू में है
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की एक बिल्डिंग काफ़ी अच्छी दिखती है बाकी सारे बिल्डिंग से। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के सामने ही खड़ा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट हम इंटर कर लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ से आप एक शूट लेकर मैं यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। अभी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट और स्टिल जो कि मैंने आपको पिछले हॉस्टल में काफी कुछ बता दिया था इसके बारे में, आगे हॉस्टल में मुझे कितना अलाउड हुआ था कुछ। एक दोस्त थे वो जा रहा है अभी अपने घर, छुट्टियां है तो देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे जूम करके बता दिया है। मेरा एक दोस्त है वो जा रहा है, चलो उसको गुड बाय कर देंगे। शायद मैं भी आता था मगर मैं यहाँ पे व्लॉग निकाल लेके आ गया इसलिए, तो आज हम उन्हें भी अपने व्लॉग में ले देंगे। चलिए अभी मुझे उतना डिस्टेंस कवर करना है तो भरा नहीं लगते ही मैं इस ग्राउंड तक तो पहुँच गया। ये देखिए GCUV का काफ़ी अच्छा ग्राउंड, यहाँ पे लगभग 5 फुटबॉल ग्राउंड तो आसानी से मतलब सेट हो जाएंगे एकदम से, 5 ग्राउंड तो हो जाएंगे। उस दिन यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं मगर AICT के मतलब स्टूडेंट जो है सेकंड और थर्ड ईयर के उनके लिए कुछ ज़्यादा लिमिट रहती है तो वो भी यहाँ पे खेलते हैं, वही खेलते हैं ज़्यादातर फुटबॉल खेलने वही दिखते हैं। और कल यहाँ पे हमारी मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट भी अच्छे से क्रिकेट, अभी मेरे यहाँ से सारे दोस्त जा रहे हैं, ये दो दोस्त जा रहे हैं मेरे, हर्ष जा रहा है वर्धा और ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो हम यहाँ के मेन गेट से बाहर निकल गए हैं। देखिए अभी ये नया मेन गेट बना है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क बाकी है तो अभी जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्त। बाइक है और हम जा रहे हैं, लगा देता हूँ बस हो गया। तो अभी हमें हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, तो बस मैंने आपको यहाँ पे सबका मैप बता दिया है और सारे के सारे हॉस्टल मतलब हॉस्टल और कैंपस काफ़ी कुछ दिखा दिया है और उतनी डिटेलिंग्स भी नहीं है मगर काफ़ी कुछ मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने आपको सातपुड़ा हॉस्टल बताया था यानी कि वस्ती गृह, और यहाँ पे है हमारा सह्याद्री वस्ती गृह मतलब सह्याद्री हॉस्टल। उसके बाद में ही हमारा है बॉयज़ न्यू हॉस्टल, मैं आपको उसकी क्लिप अभी बता दूँ, बॉयज़ न्यू हॉस्टल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इनका पिक्चर आ गया है, मतलब पूरी तरीके से आपको आइडिया आ गया होगा कि इसका इंटरफेस आपके सामने कैसा दिखता है बॉयज़ न्यू हॉस्टल का। तो यहीं पे मेरे राइट साइड के फर्स्ट विंग मतलब ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट विंग में ही मेरा कमरा है, मतलब मुझे रूम अलॉट हुई है और मेरा रूम नंबर है 021। तो चलिए मैं आपको अपने रूम तक लेके जाऊंगा आज। जाते हैं रूम नंबर 21, यहाँ पे सोबत सा कौन होता में काफ़ी थक चुका हूँ और वीडियो भी मैंने आपके लिए पूरा बना दिया है, जस्ट आप अपना फुल वीडियो देखिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को तो लाइक नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक करना होगा। और मेरे चैनल अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखने हैं मेरे हॉस्टल के मेरे लाइफ यानी स्टडी जर्नी में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू
माई न्यू ब्लॉग। आज हम देखेंगे कि इसमें हमारा होस्टल कैंपस कैसा है। भैया असनी में जी।